और जब पंचायत का सम्मेलन का जिक्र चल रहा था, हम लिव इन को किस तरीके से देखते हैं कि कितने तो घर उजाड़ दिए इसने, बेटा बेटी माँ बापू के पास नहीं रहने पाते, बेटा कितने है, बेटी कितने है, माँ बेटा ने तरसा, बाबू बेटा ने तरसा है। तो इस चीज का निचोड़ यही है कि हर तरीके से शैक्षिक जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, संस्कारी जिम्मेदारी भी होती है। हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस चीज को अपने समाज में नकारे, अपने गांव में नकारे और अपने प्रदेश और देश के अंदर नकारने का काम करें। बच्चा 18 साल का हो जाता है, माता पिता उसको पालते पोसते हैं, एक कटघरे में होकर के वही माँ बाप को दुश्मन बना देता है, यही स्थिति आज की है। तो आज इन चीजों पर, इन मुद्दों के ऊपर हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। और इस हुंकार के अंदर जो आप लोग शामिल हुए हैं, इस हुंकार को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक आवाज बनाने की जरूरत है। और उम्मीद करती हूँ आज इस पंडाल में जितनी भी खापे आई है, पूरे देश से जितने भी लोग आए हैं, आज एक प्रण लेकर के जाएंगे कि इन मुद्दों के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था उस निर्णय का भी हम सम्मान करेंगे और आने वाले समय में भी इन मुद्दों के ऊपर हमेशा बोलते रहेंगे, इन मुद्दों को हमेशा नकारते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।